बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं, जिसके लिए इतने दिनों से समय रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे, वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं, ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के, गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए, जाए तो कहाँ जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। एक्सेस इज मेनी एस्पेक्ट्स, कॉस्ट इज एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दोज। इट हैज बीन ऑब्जर्व डेट द एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन ऑल टू ओपन पुट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस आउट ऑफ रीच फॉर मेनी सिटीजन्स। इन रेस्पॉन्स वेरियस authorities have taken a number of welcome initiatives, including the opening of free legal counseling cells. Many lawyers to offer pro bono services. I urge all stakeholders to think innovatively and find new ways to expand the reach of justice. Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में
यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे के आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जो हिंदी निकलेगा दूसरे जो जजेस है वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। अनदर एस्पेक्ट ऑफ एक्सेस इज लैंग्वेज। एज इंग्लिश हैज बीन द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, एज लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज लेफ्ट आउट ऑफ द प्रोसेस। The language of justice should be inclusive so that the parties to the particular case as well as interested citizens at large can become effective stakeholders in the system. The Supreme Court made a word the beginning when it started making its judgments available in a number of Indian languages, and many other courts have also been doing so now. Needless to say, in a state like Jharkhand with rich linguistic variety, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. In overcoming these and other hurdles before access to justice in general, two factors are bound to be highly useful. One is technology, which is changing our world by the day. This new building has the latest technological facilities, and that will prove highly helpful. The second factor is enthusiasm, especially of the younger generation in the field of law and justice. They are the ones who will come up with innovations that will improve access to justice. Ladies and gentlemen, related to the access to justice is the question of under trials. I spoke about it on the Constitution Day last year. I cannot help but talk about this matter close to my heart, since I am addressing a distinguished gathering of judges, legal luminaries, members of the bar and other dignitaries. One of the reasons behind the problem is that courts are overburdened, which also hurts access to justice. I understand the problem is complex, yet the fact remains that a large number of people languish for years in prison as under trials. Prisons are overcrowded, making their life all the more difficult. We should address the root cause of the problem. When I say we, I include the whole society. Still, it is good to see that the problem has been noticed widely. The issue is being debated, and some of the best minds of the legal fraternity are seized of the matter. I am glad to note that several steps have been taken to make justice delivery system more accessible and inclusive, especially for women of different segments of the Indian society. I am confident that together we will soon be able to find a way out. Ladies and gentlemen, I congratulate the people of Jharkhand, judges and advocates of the High Court moves to these magnificent buildings, which symbolizes the beauty and power of justice. I am confident that this new building will bring with it a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something. मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाईकोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं।